और दोस्तों क्या हालचाल है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू स्टार्ट ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, यानी कि इस डिवाइस में इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल रिकॉर्ड कैसे करें। दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले फोन डायलर में जाइए। फोन डायलर ओपन करने के बाद जब आप किसी भी नंबर पर कॉल लगाएंगे, कॉल कनेक्ट होते ही नीचे की तरफ कॉल रिकॉर्ड करने का फीचर्स मिल जाएगा, तो इस पर टैप करके आप मैनुअली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम कॉल रिकॉर्ड शुरू करने से पहले स्टोरेज परमिशन अलाउ करना होता है। दोस्तों गूगल डायलर की तरह इसमें कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट सुनने को नहीं मिलेगा, विदाउट अनाउंसमेंट इस डायलर से कॉल रिकॉर्ड कर पाएंगे। दोस्तों आपने मैनुअली कॉल रिकॉर्ड करना सीख लिया है, अब ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड करना सीखेंगे। यहाँ राइट कॉर्नर सेटिंग्स पे टैप करिए, इसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग में जाना है। कॉल रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन, कॉल रिकॉर्ड करने के बाद कॉल रिकॉर्डिंग फाइल ऊपर नोटिफिकेशन बार में दिखाई देगा, तो उस नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए। रिकॉर्ड कॉल ऑटोमेटिकली, इस सेटिंग्स को एक्टिवेट करके ऑल कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, या तो सिलेक्ट नंबर पे टैप करते ही आपको तीन सेटिंग्स दिखाई देगा। कस्टम लिस्ट, यहाँ ऐड नंबर पे टैप करके जिस नंबर को आप सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी नंबर का ही कॉल रिकॉर्ड करेगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर के अलावा कोई दूसरा कॉल ऑटोमेटिक रिकॉर्ड नहीं होगा। अननोन नंबर, हमारे फ़ोन में अननोन नंबर से जो कॉल आएगा, मतलब जो नंबर कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं है, उसका कॉल रिकॉर्ड करेगा। डायरेक्टरी, लैंडलाइन और टेलीफोन का जो नंबर है उस कॉल को रिकॉर्ड करेगा। अगर आपको ज़रूरत हो तो इन तीनों सेटिंग से कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि कॉल रिकॉर्डिंग प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट रहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके बताइए। दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे कॉल रिकॉर्ड करने के बाद वो कहाँ सेव होता है। जिसका कॉल रिकॉर्ड किया है उसका कॉल हिस्ट्री ओपन करना है। यहाँ नीचे की तरफ टाइम एंड डेट के साथ कॉल रिकॉर्डिंग फाइल देखने को मिल जाएगा, यहाँ से रिकॉर्डिंग प्ले कर सकते हैं या शेयर बटन पे टैप करके दूसरे फ़ोन में भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था, तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।